भगवान कृष्ण के मुकुट में मोर पंख क्यों लगाया जाता है? हम अपने जीवन में अनेकों बार श्री कृष्ण मंदिर में गए हैं और हम बचपन से ही एक चीज को सदा से देखते आ रहे हैं और वो यह है कि भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में मोर पंख जरूर लगा होता है। क्या आपके मन में कभी ये विचार आया कि आखिर श्री कृष्ण के मुकुट में ही मोर पंख क्यों लगाया जाता है? भगवान श्री कृष्ण का मोर पंख के साथ ऐसा कौन सा जरूरी संबंध है जो उन्होंने इस मोर पंख को अपने सिर पर स्थान दिया? क्या मोर पंख सुंदर होने के कारण भगवान कृष्ण को इतना प्रिय है या इसके पीछे कोई अन्य कारण है? यदि केवल सुंदर होने की ही बात है तो कई ऐसे पक्षी हैं जो मोर के जैसे ही सुंदर हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान कृष्ण और मोर पंख के इस अनूठे संबंध का क्या कारण है। दरअसल एक बार भगवान श्री कृष्ण गौएं चराने के लिए अपने ग्वाल मित्रों के साथ वन गए थे। गौएं घास चर रही थी और भगवान अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी पर बड़ी मधुर तान छेद दी। यह तान इतनी मधुर थी कि जड़ चेतन और चेतन जड़ हो गए। एकाएक आकाश में काली घटाएं छा गई और रिमझिम रिमझिम वर्षा होने लगी। एकाएक वहां कहीं से एक मोर आ गया। वह भगवान श्री कृष्ण के आगे आगे नाचने लगा। भगवान कृष्ण बांसुरी बजाना छोड़कर उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़े, किंतु वह मोर श्री कृष्ण के हाथ में नहीं आया और श्री कृष्ण को और आगे ले जाने लगा। भगवान श्री कृष्ण उसका पीछा करने लगे। थोड़ी ही देर में ही मोर श्री कृष्ण को काफी आगे ले गया। आगे जाकर भगवान श्री कृष्ण ने जो नजारा देखा तो उनके नेत्र कमल खुले के खुले रह गए। वहां श्री राधा रानी अपनी सखियों के साथ विराजमान थी। श्री राधा जी भी श्री कृष्ण को एकटक निहारने लगी। भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी का दर्शन करते हुए फिर बांसुरी बजाने लगे। फिर क्या था, अब तो मोर भी झूम झूम कर नाचने लगा। नाचते नाचते मोर का एक पंख भूमि पर गिर गया। इस पंख को भगवान श्री कृष्ण ने उठाकर अपने मुकुट में लगा लिया। मानो ऐसा करके उन्होंने उस मोर का धन्यवाद किया कि हे मयूर, तुमने मुझे राधा रानी से मिलवाकर मुझ पर बहुत उपकार किया। आज से तुम्हारे पंख के बिना मेरा श्रृंगार अधूरा माना जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण भगवान के मुकुट में मोर पंख सदैव लगाया जाता है। इसके पीछे संत महात्मा एक कारण और भी बताते हैं। मोर पंख को मयूर पक्ष भी कहते हैं। पक्ष का एक अर्थ किसी का पक्ष लेना भी होता है। पक्ष लेने का मतलब तरफदारी लेना अथवा किसी की हिमायत लेना कहते हैं। इसका यह अर्थ किया जा सकता है कि भगवान अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं। भगवान कृष्ण निष्पक्ष नहीं पक्षधर हैं। भगवान कृष्ण धर्म का पक्ष लेते हैं। उन्होंने पांडवों का पक्ष लिया, कौरवों का नहीं। अपने भक्तों का मान रखने के लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा तक को भी तोड़ देते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। इसलिए भक्तों के पक्षधर भगवान अपने मुकुट में मोर के पक्ष को धारण करते हैं।